वैसे ही पुलिस की जीप आएगी, आपको उठाएगी, आप पोस्टर नहीं लगाओगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपके घर जाएंगे, कहेंगे आप पोस्टर क्यों लगा रहे हैं। अंग्रेजों की सरकार ने भी कभी इतनी दरिंदगी नहीं की होगी कि पोस्टर लगाने पे किसी के खिलाफ FIR दर्ज कर दें, किसी को जेल में डाल दें। हरियाणा पुलिस में जितनी ताकत हो, उनके पास जो केस लगाने का मात्रा हो, वो लगाएं हमारे ऊपर। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अनुराग ढांडा जी बने हुए हैं, और आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो है आप जी करनाल में आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, आज हम मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोदी हटाओ देश बचाओ का एक नारा चल रहा है पूरे देश में, लोग जगह जगह पे पोस्टर्स लगा रहे हैं। आपको भी पता है दिल्ली में कुछ लोगों ने पोस्टर लगाया तो उन लोगों को FIR कर ली, कुछ को गिरफ्तार कर लिया। एक तानाशाही रवैया लाने की कोशिश हो रही है देश के अंदर कि कोई भी सरकार के खिलाफ उनके नेताओं के खिलाफ कुछ बोले नहीं। लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं हो सकता। लोग बड़े बड़े लोकतंत्र में ये बहुत सामान्य बात है कि अगर कोई विपक्षी दल है तो वो आवाज उठाएगा, लोग आवाज उठाएंगे, आपका विरोध भी करेंगे, आपको उन सब चीजों का सम्मान करना पड़ेगा लोकतंत्र में। हरियाणा में भी कल पूरी रात ये धमाचौकड़ी रही है। जिस पुलिस को हरियाणा के लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था, सुरक्षा का बंदोबस्त करना चाहिए था, हरियाणा सबसे आखिरी नंबर पे पहुंच गया है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरे देश के अंदर। वो हरियाणा पुलिस कल पूरी रात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर रही थी, बिना कोई केस दर्ज किए हुए, बिना कोई मामला दर्ज किए हुए लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, उठा रही थी। रात को हमारे कार्यकर्ता जो पोस्टर लगा रहे थे उनको हिरासत में ले रहे थे। कोई कानूनी प्रावधान नहीं, कुछ नहीं, कोई केस दर्ज नहीं। वैसे ही पुलिस की जीप आएगी, आपको उठाएगी, आप पोस्टर नहीं लगाओगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपके घर जाएंगे, कहेंगे आप पोस्टर क्यों लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगाएं भाई पोस्टर? लोकतंत्र में पोस्टर लगाने का अधिकार है। आजादी के वक्त में अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ सरदार भगत सिंह से लेकर सब क्रांतिकारी साथी पोस्टर लगाते थे। अंग्रेजों की सरकार ने भी कभी इतनी दरिंदगी नहीं की होगी कि पोस्टर लगाने पे किसी के खिलाफ FIR दर्ज कर दें, किसी को जेल में डाल दें। वो वहां उस वक्त जो पकड़ा पकड़ी चलती थी पुलिस के और क्रांतिकारियों के बीच में, मुझे लगता है वो दौर लौट रहा है। और वो दौर अगर लौट रहा है तो उसका मुकाबला करने के लिए भी आम आदमी पार्टी, शहीद भगत सिंह के अनुयायियों की पार्टी, हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये रहे पोस्टर, मैं तो आपके सामने दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पोस्टर है, ये मैंने यहाँ पकड़ा है। और यहाँ से ठीक बाहर जाने के बाद इस पोस्टर को दीवार पे भी चिपकाएंगे। हरियाणा पुलिस में जितनी ताकत हो, उनके पास जो केस लगाने का मात्रा हो, वो लगाएं हमारे ऊपर। अगर आज हम इस आवाज को दबने देंगे, अगर आज हम इस विरोध के स्वर को दबने देंगे, तो फिर हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। कहाँ लगाए जाएंगे पोस्टर आपकी बात? बिल्कुल यहीं से बाहर निकलेंगे, आप सब साथी भी साथ में होंगे और हम लगाएंगे ये पोस्टर। यहाँ पे बाहर निकलते ही पोस्टर लगाएंगे, दीवार पे पोस्टर लगाएंगे, आप भी देखेंगे और सारा हरियाणा देखेगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आज के दिन में घर घर में अगर सरकार कहेगी सड़क पे नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, गली में लगाएंगे। कहेंगे गली में नहीं लगा सकते, अपने घरों पे लगा लेंगे। अगर कहेंगे घरों पे नहीं लगा सकते, अपने हाथों में पकड़ के चलेंगे सड़क के ऊपर। कैसे रोकेंगे आप हमारी आवाज, कैसे दबाएंगे? तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अनुराग ढांडा जी। तमाम जो है विषय पर अनुराग ढांडा ने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।